पर्यटन और धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण पराशर झील और आसपास की पहाड़ियां अब कानूनी रूप से पैराग्लाइडिंग साइट बनने जा रही है। प्रशासन ने इस दिशा में गंभीर कदम उठाते हुए कसरत तेज कर दी है। हालांकि गैर कानूनी ढंग से यहां करवाई जा रही पैराग्लाइडिंग को प्रशासन ने चेतावनी देकर रोक दिया है और ऑपरेटर सामान समेट कर गायब हो गए हैं, लेकिन जिला पुलिस प्रशासन ने अब वहां अपना कड़ा पहरा बैठा दिया है। यहां सादी वर्दी में जवान हर गतिविधि पर नजर रखेंगे। गौरतलब है कि पहले ही जिला पुलिस ने दो विदेशी पायलटों की मौत के बाद यहां एडवाइजरी निकालकर अलर्ट के साथ चेतावनी दी है कि यहां बिना परमिशन कोई गतिविधि न चलाई जाए। उधर प्रशासन की ओर से एसडीएम सदर ने कार्रवाई करते हुए आगामी आदेशों तक गतिविधियां तो रोक दी है, लेकिन डीसी के निर्देशों के बावजूद वे पराशर में बिना अनुमति पैराग्लाइडिंग व कैंपिंग गतिविधियां चला रहे ऑपरेटरों को दबोच नहीं पाए। डीसी की ओर से वन्य प्राणी विभाग को भेजे गए नोटिस के बाद बात सामने आई है कि यहां पैराग्लाइडिंग की संभावनाएं हैं, लिहाजा यहां पैराग्लाइडिंग की अनुमति नागरिक उड़न विभाग के साथ परामर्श के बाद दी जाती है। लिहाजा अब प्रशासन पराशर के आसपास पैराग्लाइडिंग से होने वाली गतिविधियों से पर्यटन को पहुंचाने वाले लाभ को देखते हुए कसरत में जुट गया है। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल।